हेलो दोस्तों, वेलकम बैक इन इंजीनियर सिंह एकेडमी। लर्न पाइथन के सीरीज में आपका स्वागत है। हम फाइल हैंडलिंग की बात कर रहे थे। पिछले वीडियो में हमने बताया था कि फाइल होता क्या है, फाइल के मीनिंग्स क्या है, फाइल कितने तरह के होते हैं। हमने देखे थे टेक्स्ट फाइल के बारे में, बाइनरी फाइल के बारे में हमने जाना था और सीएसवी फाइल के बारे में। आज हम फाइल के बेसिक ऑपरेशंस की बात कर रहे हैं कि अगर आपको किसी फाइल के ऊपर काम करना है तो फाइल को ओपन करना होगा और फाइल को क्लोज करना होगा। तो कैसे आप फाइल को ओपन करेंगे, कैसे आप फाइल को क्लोज करेंगे और फाइल किस लोकेशन पे सेव होगा, किस डायरेक्टरी में जाके सेव होगा, एब्सोल्यूट पाथ क्या होता है, रिलेटिव पाथ क्या होता है, इन सब के बारे में हम जानेंगे। तो चलिए सबसे पहले हम समझते हैं कि ओपनिंग अ फाइल का मतलब क्या है। देखिए, आप सबको ये पहले पता होना चाहिए कि अगर आप किसी भी फाइल के साथ काम करना चाहते हैं तो उस फाइल को ओपन करना होगा। लेकिन उस फाइल को ओपन करने से पहले आपके कुछ बेसिक टर्म एंड कंडीशंस हैं जो आपको पाइथन के अंदर फॉलो करना होता है। और वो बेसिक एंड टर्म एंड कंडीशंस क्या है कि आखिर उस फाइल को कंप्यूटर कैसे रेफर करेगा, कैसे फाइल को आइडेंटिफाई करेगा। जैसे कि आप बताइए, आपने कंप्यूटर के अंदर, प्रोग्राम के अंदर कई सारे वेरिएबल्स बनाए थे। क्यों बनाए थे? ताकि आप वैल्यू को स्टोर कर सको। तो वेरिएबल क्या है? वेरिएबल रेफरेंस रख रहा है किसका? मेमोरी लोकेशंस का। किस मेमोरी लोकेशन का? जहां पे वो वैल्यू स्टोर है। ठीक इसी तरह से आपके फाइल के रेफरेंस को रखने के लिए भी आपको किसी चीज की जरूरत होगी, और जिस चीज की आपको जरूरत होगी उसे हम यहाँ पे फाइल ऑब्जेक्ट के नाम से जानते हैं। दैट इज कॉल्ड फाइल ऑब्जेक्ट। तो यहाँ पे देखिए, फाइल ऑब्जेक्ट क्या होता है आपका? फाइल ऑब्जेक्ट इज अ रेफरेंस टू अ फाइल ऑन अ डिस्क। मतलब डिस्क के ऊपर फाइल जो रखा हुआ है उसको रिलेट करने के लिए, उसके एड्रेस को, उसके रेफरेंस को रखने का काम कौन करता है? फाइल ऑब्जेक्ट। इट ओपन्स अ फाइल एंड मेक्स इट्स पॉसिबल टू डू डिफरेंट टास्क विद द फाइल्स। फाइल ऑब्जेक्ट, दिस इज ऑल्सो नोन एज द फाइल हैंडल। इसे हम फाइल हैंडल के नाम से भी जानते हैं। क्यों फाइल हैंडल क्यों कहते हैं? बिकॉज इट हेल्प अस इन हैंडलिंग ऑफ फाइल। फाइल को हैंडल करने में ये हमारी मदद करता है। ठीक है, तो इट्स हेल्प अस वेरी इंपॉर्टेंट एंड यूजफुल फॉर अस इन पाइथन। ऑल ऑपरेशंस कैन बी परफॉर्म विद द फाइल ऑन द बेसिस ऑफ द फाइल हैंडल वाले। तो पहला टर्म तो आपके लिए हो जाता है फाइल ऑब्जेक्ट और फाइल हैंडल। दूसरा टर्म यहीं पे आता है फाइल मोड्स। अब देखिए, जब कभी भी आप किसी फाइल को ओपन करते हैं तो उस फाइल का एक पर्टिकुलर मोड होता है। मोड का मतलब है, आप कह सकते हैं पर्पस, कि आप फाइल को किस पर्पस के लिए यूज करना चाहते हैं। क्या फाइल को रीड मोड के लिए ओपन करना चाहते हैं? क्या आप फाइल को राइट मोड के लिए ओपन करना चाहते हैं? क्या आप फाइल में अपेंड करना चाहते हैं? तो अलग अलग मोड्स हैं। मोड्स एक्चुअली पर्पस ऑफ द फाइल बताता है कि व्हाई वी आर गोइंग टू ओपन द फाइल, व्हाट इज द माय पर्पस टू ओपन द फाइल। नॉर्मली हम फाइल के साथ तीन ऑपरेशंस करते हैं, रीड, राइट, अपेंड। रीड मतलब आपको फाइल के कंटेंट को रीड करना है, राइट मतलब आप फाइल के अंदर कुछ लिखना चाहते हैं, अपेंड मतलब फाइल के अंदर जो एग्जिस्टिंग कंटेंट है उसके लास्ट में जाके आप कोई नए कंटेंट को ऐड करना चाहते हो। तो अब देखो क्या क्या टेक्स्ट फाइल के लिए जो मैंने यहाँ पे मोड रखा है, क्योंकि अभी मेरा टॉपिक टेक्स्ट फाइल पे लिमिट है तो मैं उसकी बात कर रहा हूँ। एक रीड मोड होता है, आर होता है, जिसको हम रीड ओनली मोड कहते हैं। बाइनरी फाइल में यहीं पे आपको आर बी लगाना पड़ेगा। एक राइट ओनली राइट मोड होता है। देखिए, रीड मोड का मतलब है फाइल रीडिंग पर्पस के लिए खुलेगा, आप वहां पे राइटिंग नहीं कर सकते हैं। राइट ओनली का मतलब हो गया कि फाइल अगर एग्जिस्ट है, फाइल अगर एग्जिस्ट नहीं है तब तो ये आपके लिए एक नया ब्लैंक फाइल क्रिएट करके देगा, ओपन करके और क्रिएट कर देगा ब्लैंक फाइल। लेकिन अगर फाइल एग्जिस्ट कर रहा है, उस नाम का फाइल आपने पहले से बना रखा है और आपने उसके अंदर कुछ लिख भी रखा है, तो ऐसे सर्कमस्टांसेस में, ऐसे केसेस में राइट क्या करेगा? उसके कंटेंट को डिलीट करके एकदम फ्रेश न्यू कॉपी क्रिएट करके, फ्रेश फाइल, ब्लैंक फाइल क्रिएट करके आपको दे देगा। ठीक है, append, इसी जगह पे append। अब देखो, write का drawback क्या था कि आपके data का तो loss हो गया, आपका जो content था वो delete हो गया। तो आप चाहते हो कि नहीं, आपका content save रहे, आप चाहते हो जो आपने लिखा था वो रह जाए आपके पास। तो for that point of view you have a append method। इसके लिए append mode होता है, कहता है कि अगर file exist नहीं है तब तो ये एक नया file create करेगा, otherwise file को open करेगा appending mode में। और appending mode का मतलब होता है कि आप file के अंदर content को add कर सकते हो last में। ठीक है,
R plus मोड का मतलब हो गया रीड प्लस। ये रीड एंड राइट बोथ ऑपरेशंस को अलाउड करेगा। कई बार ऐसा होता है कि हम फाइल को रीड भी करना चाहते हैं, राइट भी करना चाहते हैं, लेकिन अगर फाइल, इस केस में फाइल एग्जिस्ट होना चाहिए। अगर फाइल एग्जिस्ट नहीं हो रहा है तो ये आपको एरर मैसेज दे देगा। सपोज करो आपने आर प्लस मोड लगा दिया और जो फाइल का नाम दिया वो फाइल पहले से है ही नहीं, तो दिस कमांड विल जनरेट एरर मैसेज। मैं दिखाऊंगा आपको। W प्लस का मतलब क्या है? W प्लस का मतलब होता है राइट प्लस। ये राइट एंड रीड दोनों के लिए करता है। ये W की तरह ही काम करेगा। अगर फाइल एग्जिस्ट कर रहा है तो ओपन कर देगा उसको और राइट मोड में ओपन कर देगा। आप राइटिंग भी कर सकते हो, आप रीडिंग भी कर सकते हो, कंटेंट डिलीट हो जाएगा इस केस में। A प्लस का मतलब होता है रीड एंड राइट दोनों ही ऑपरेशन होगा। फाइल अगर एग्जिस्ट नहीं है तो क्रिएट करेगा, ठीक है, और अगर फाइल एग्जिस्ट है तो उसके ओल्ड कंटेंट्स को रहने देगा और आपको न्यू कंटेंट लास्ट में ऐड करने की फैसिलिटी दे देगा। तो अभी तक हमने दो इंपॉर्टेंट टर्म को जाना जो फाइल से रिलेटेड है, फाइल हैंडल दैट इज फाइल ऑब्जेक्ट एंड फाइल एक्सेस मोड दैट स्पेसिफाई द पर्पस ऑफ द फाइल, कि व्हाई यू आर गोइंग टू ओपन द। आइए अब हम इसके बेसिक ऑपरेशन समझते हैं। अगर फाइल को ओपन करना है तो पाइथन के अंदर में हम फाइल कैसे ओपन करते हैं? देखिए, बड़ा सिंपल सा एक मेथड है पाइथन के अंदर में, एंड दैट मेथड इज कॉल्ड ओपन फंक्शन। इसको हम ओपन फंक्शंस कहते हैं। ये टेक्स्ट और डेटा फाइल यानी कि बाइनरी फाइल और टेक्स्ट फाइल दोनों को ही ओपन करने के काम में आता है। इसका जो नॉर्मल सिंटैक्स होता है इस फाइल का, उसके सिंटैक्स को देख लीजिए। इसमें आपको पहले फाइल का नाम, फाइल ऑब्जेक्ट, यही आपका फाइल ऑब्जेक्ट और फाइल हैंडल है, इक्वल टू ओपन, फिर आप फाइल का नाम बताते हैं। यहां आपने कोई मोड मेंशन नहीं किया है तो डिफॉल्ट मोड जो होता है वो रीड ओनली होता है। आपका फाइल रीड मोड में खुलेगा। आपने अगर फाइल नेम के साथ फाइल मोड मेंशन कर दिया तो जो मोड आपने दे दिया, R दे दिया, W दे दिया, A दे दिया, R प्लस, W प्लस, A प्लस, तो अकॉर्डिंग टू द मोड ये काम करेगा और उसी पर्पस के लिए आपके फाइल को ओपन करके देगा। फाइल वन ओपन सम डॉट पाई, इस ये सम डॉट पाई नाम की फाइल को डिफॉल्ट फाइल मोड में यानी कि रीड ओनली मोड में ओपन करके हमें दे देगा और उसके ऑब्जेक्ट को फाइल वन के साथ लिंक कर देगा। फाइल टू डी कॉलन डबल स्लैश पाइथन प्रोग्राम डेटा डॉट टेक्स्ट आर। अब यहाँ पे मैंने पूरा का पूरा पाथ दे रखा है, यहाँ पे मैंने सिर्फ नाम लिखा है, मैं भी आपको डिफरेंस बताऊंगा। तो इस केस में ये फाइल को रीड ओनली मोड में ओपन करेगा, ठीक है। तो ये तो हो गया कि फाइल रीड ओनली मोड में कैसे खुलता है। अगर राइट मोड में ओपन करना है तो आप यहाँ पे W लगा दीजिए, ये राइट मोड में फाइल को ओपन कर लेगा। ध्यान रखिएगा, आप फाइल के साथ पाथ भी लगा सकते हैं। पाथ का मतलब होता है कि फाइल अगर किसी और लोकेशन पे सेव है तो आप वहां वाले फाइल को कैसे ओपन करेंगे, इसके लिए हमें पाथ की जरूरत होता है। अब जरा इस पाथ को समझिए। देखिए, दो तरह के पाथ होते हैं, एक रिलेटिव और एक एब्सोल्यूट पाथ होते हैं। ये रिलेटिव और एब्सोल्यूट पाथ को समझना होगा पहले। पहले हम रिलेटिव पाथ को आपको समझा दें कि रिलेटिव पाथ का मतलब क्या होता है। रिलेटिव पाथ हमेशा करेंट वॉकिंग डायरेक्टरी से स्टार्ट होता है। जैसे मान लीजिए कि मैं डायरेक्टरी ए के अंदर, एबीसी के अंदर काम कर रहा हूं, तो मैं कोई भी ऑपरेशन अगर करूंगा तो डिफॉल्ट समझा जाएगा कि मेरे फाइल एबीसी डायरेक्टरी के अंदर ही होंगे। जिस फाइल को मैं ओपन करना चाह रहा हूं वो फाइल भी एबीसी के अंदर ही होंगे, ऐसा नहीं कि वो फाइल कहीं और होगा। तो दैट्स व्हाई इट इज कॉल्ड रिलेटिव, कि आप जहां पे हो उसके आगे का ये लिंक लेता है। अगर कोई फाइल का नाम आप कोई एड्रेस देते हो तो ये उसके आगे काउंट करेगा, करेंट वर्किंग डायरेक्टरी से आगे, ठीक है, फोल्डर इन विच योर फाइल था। अब जैसे कि अगर आपने किसी फाइल को ओपन किया तो ये अज्यूम करता है कि रिजल्ट डॉट टीएक्सटी जो है वो आपके करेंट वर्किंग डायरेक्टरी के अंदर में अवेलेबल है। फाइल नेम यहाँ पे एब्सोल्यूट पाथ के तौर पर काम कर रहा होता है, ठीक है। अब ये समझिए, यहाँ पे कुछ बेसिक पाइथन्स के कमांड्स हैं जो आपको हेल्प करेंगे फाइल हैंडलिंग के टाइम में। जैसे आपको पता करना है कि आप किस डायरेक्टरी में काम कर रहे हो, आपकी करेंट वॉकिंग डायरेक्टरी क्या है, आप डायरेक्टरी चेंज करना चाहते हो, आप न्यू डायरेक्टरी बनाना चाहते हो तो आप कैसे बनाओगे, उस डायरेक्टरी के अंदर में कौन कौन सा फाइल है, तो इसके लिए यहाँ पे एक ऑप्शन है। मैं इसको पाइथन के थ्रू आपको दिखा दूँ एक बार। सपोज करो मैंने यहाँ पे लिखा इम्पोर्ट ओएस, क्या लिखा, इंपोर्ट ओएस। अब मैं यहां पे लिखता हूं ओएस डॉट गेट सी डब्ल्यू डी करेंट वॉकिंग डायरेक्टरी। तो देखो मेरा करेंट वॉकिंग डायरेक्टरी सी कॉलन स्लैश पाइथन 38। ध्यान रखना कि यहां पे डबल स्लैश क्यों देता है,
देखो स्लैश एक स्पेशल कैरेक्टर है, जैसा कि आप सभी को पता है कि दिस इज द एस्केप सीक्वेंस कैरेक्टर कॉन्स्टेंट्स, और ये एक स्पेशल कैरेक्टर है। तो डबल स्लैश से क्या होता है, उसको इग्नोर करने के लिए कि भाई ये आई एम गिविंग स्लैश हियर, मैं यहाँ पे स्लैश ही बताना चाहता हूँ, मैं डबल स्लैश नहीं बताना चाहता, मैं एक स्लैश बताना चाहता हूँ, और स्लैश को रेफर करने के लिए डबल स्लैश लगाया गया। अब अगर मान लीजिए कि मुझे अपनी डायरेक्टरी को चेंज करना है, मुझे अपनी करेंट वर्किंग डायरेक्टरी को चेंज करना है, तो कौन सा कमांड है आपके पास, chdir। कैसे करेंगे, सपोज कीजिए मैंने यहाँ पे लिखा os chdir और मैं यहाँ पे करना चाहता हूँ d colon, मैं d colon में जाना चाहता हूँ, ठीक है, तो मैंने ये लगा दिया। अब मैं यहाँ पे os get cwd करना चाहता हूँ, तो देखो मेरी करेंट वर्किंग डायरेक्टरी क्या हो गई, डी ड्राइव। यानी कि अब अगर मैं किसी फाइल को क्रिएट करूंगा या किसी फाइल को मैं एक्सेस करना चाहता हूं, तो डी ड्राइव के मैं फाइल को एक्सेस कर सकता हूं। अगर मान लीजिए मैं यहां पे आपको लिख देता हूं डी कॉलन, मैं ओएस डॉट और मैं यहां पे लिस्ट डीआईआर करना चाहता हूं, मैं डायरेक्टरी का लिस्ट देखना चाहता हूं, तो देखो इसके अंदर में कौन कौन से फाइल अवेलेबल हैं, ये सारे फाइल का लिस्ट इसने हमें यहां पे प्रोवाइड कर दिया। अगर मैं मान लो कि ओएस सीएचडीआर और मैं यहां पे लिखना चाहता हूं डी कॉलन स्लैश, मैं यहां पे डी कॉलन स्लैश पाइथन प्रोग्राम नाम का एक मेरा डायरेक्टरी है, मैं उसके अंदर जाना चाहता हूं, तो मैंने ये कर दिया ओएस डॉट गेट सीडब्ल्यूडी, गेट CWD मैं करता हूं यहाँ पे, तो गेट CWD से मैं करेंट वर्किंग डायरेक्टरी देखो हमारा चेंज हो गया। अच्छा, इसी एड्रेस को अगर मैं डायरेक्टरी चेंज करना है तो मैं यहाँ पे कुछ इस तरीके से भी, अगर मान लो मैं CSDR करता हूँ और मैं वापस डी कॉलन में ही आ जाता हूँ यहाँ पे, मैं डी कॉलन में ही आ जाता हूँ यहाँ पे, ठीक है। और अब अगर सपोज करो कि पाइथन प्रोग्राम के अंदर एक फाइल हैंडलिंग नाम का मेरा डायरेक्टरी है और मैं वहां जाना चाहता हूं, तो देखो मैं कमांड क्या लगा रहा हूं, os.csdir, और यहां पे अब अगर मान लो कि मैं यहां पे रॉ डेटा के फॉर्मेट में भी इंफॉर्मेशन को दे सकता हूं। ये रॉ डेटा का मतलब क्या होता है दिखाता हूं मैं आपको। अब देखो मैं यहां पे डबल स्लैश नहीं लिखूंगा, मैंने लिखा पाइथन प्रोग्राम स्लैश फाइल हैंडलिंग, और मैं इसको सिंगल कोट्स के साथ, डबल कोट्स के साथ बंद कर दे रहा हूं, और इस कमांड में कोई एरर नहीं आया, और मैं यहां पे गेट CWD कर दूं, तो देखो ये हमारा करंट वर्किंग डायरेक्टरी भी दिखा देगा और चेंज हो जाएगा। तो R का मतलब है रॉ डेटा। अगर आप मान लो डबल स्लैश के साथ लोकेशन या एब्सोल्यूट फाइल एड्रेस नहीं बताना चाहते हो, तो आप मतलब डबल स्लैश नहीं यूज करना चाहते हो, तो आप R को यूज कर सकते हो पाथ बताने के लिए। तो ये आपके समझ में आ गया कि R को आप कैसे यूज करोगे या चेंज डायरेक्टरी कैसे करोगे। लिस्ट डायरेक्टरी मैंने बता दिया। अगर कोई डायरेक्टरी आपको क्रिएट करना है, सपोज यहां पे मुझे एक डायरेक्टरी क्रिएट करना है, मैं कर ही लेता हूं, तो मैं यहां पे लिखूंगा, अभी मैं आपको करंट वर्किंग डायरेक्टरी दिखाई दिया, तो मैं यहां पे लिखूंगा mkdir, और मान लो मैं एक डायरेक्टरी यहां पे क्रिएट करना चाहता हूं फाइल प्रैक्टिकल, मैं फाइल हैंडलिंग के अंदर में फाइल प्रोग्राम PRG के नाम से एक डायरेक्टरी बनाना चाहता हूं, तो मैंने यहां पे लिख दिया। और अब मैं आपको यहां पे फाइल हैंडलिंग की लिस्ट करवा के दिखाता हूं, os लिस्ट dir नाम का कमांड करता हूं, और आप यहां पे देखोगे कि यहां पे एक डायरेक्टरी बन गई होगी फाइल PRG के नाम से, फाइल हैंडलिंग फाइल PRG, ये देखिए ये फाइल PRG के नाम से यहाँ पे डायरेक्टरी बन चुका है। जिसके नाम में एक्सटेंशन नहीं लगा हुआ है वो फाइल हैंडलिंग है, जिसके नाम में .py या .dot कुछ एक्सटेंशन लग गया वो आपका डायरेक्टरी नहीं है, कोई दूसरा फाइल है, ठीक है। तो ये समझ में आपके आ गया कि कैसे आप कुछ डॉक्स कमांड्स को यहाँ पे पाइथन के अंदर में डायरेक्ट यूज कर सकते हो इम्पोर्ट ओएस के थ्रू। तो रिलेटिव पाथ आप समझ गए, एब्सोल्यूट पाथ को मैं एक बार आपको फिर से समझा दूं कि एब्सोल्यूट पाथ का मतलब क्या होता है, कि सपोज करो कि मैं अपने करेंट डायरेक्टरी में रहते हुए किसी और डायरेक्टरी के फाइल को ओपन करना चाहता हूं, किसी और डायरेक्टरी के फाइल को मैं एक्सेस करना चाहता हूं, या मैं उसी के अंदर काम करना चाहता हूं, तो मुझे यहां पे जरूरत पड़ेगी एब्सोल्यूट पाथ। एब्सोल्यूट पाथ हमेशा रूट डायरेक्टरी से स्टार्ट होता है, एब्सोल्यूट पाथ हमेशा रूट डायरेक्टरी से सी ड्राइव डी ड्राइव ई ड्राइव से स्टार्ट होता है। जैसे कि ये सी ड्राइव है, सी ड्राइव से मान लीजिए ये भी सी नाम का एक फोल्डर है, इसके अंदर में एक पाइथन p.py और z.txt नाम का दो फाइल है, और यहां पे c के अंदर में x. तो अब अगर मैं इसके पाथ की बात करूं तो इसका पाथ क्या बनेगा, c colon slash abc slash
p.py, जहां पे p.py तो फाइल का नाम है और c:\abc इसका पाथ है। तो अगर मैं ये पूरा का पूरा पाथ मेंशन करता हूं कहीं पे, तो मैं इसे क्या बताऊंगा, एब्सोल्यूट पाथ बताऊंगा। ठीक है, जैसे कि आप यहां पे देख सकते हैं कि यहां पे क्या है, d:\python_program फाइल हैंडलिंग number.txt, तो यहां पे क्या है, ये एब्सोल्यूट पाथ का एग्जांपल है। अभी मैंने आपको r की बात बताई दिया कि r का मतलब रॉ डेटा होता है, और रॉ डेटा के केस में क्या होता है कि आपको यहां पे कि आप अगर कुछ लिखते हो इस तरीके से, अगर आप ये r नहीं लगाते तो इस /n का मतलब न्यू लाइन समझा जाता, तब यहां पे आपको डबल स्लैश लिखना होता और यहां भी डबल स्लैश लगाना होता, लेकिन आपने r लगा दिया तो आपको इसकी जरूरत नहीं है। दैट मींस देयर इज नो स्पेशल मीनिंग अटैच्ड टू एनी कैरेक्टर। ठीक है, तो ये समझ में आपको आ गया कि एब्सोल्यूट और रिलेटिव पाथ्स क्या होता है। अब मैं आपको बता दूं कि फाइल को आप क्लोज कैसे करोगे, हाउ यू विल क्लोज द फाइल। फाइल को क्लोज करने के लिए आपके पास क्लोज फंक्शंस होते हैं, एंड दैट फंक्शन इज यूज्ड टू ओपन क्लोज एंड ओपन फाइल विद द हेल्प ऑफ फाइल ऑब्जेक्ट। फाइल ऑब्जेक्ट के साथ हम इसको ओपन और क्लोज कर सकते हैं। कैसे, जरा सा देख लीजिए, फाइल ऑब्जेक्ट डॉट क्लोज, सिंपली आपको फाइल 1 डॉट क्लोज रखना है। अब सवाल ये उठता है कि क्यों क्लोज करें। देखिए, इसके दो रीजन है। पहला तो ये काम है, समझना चाहिए कि जब किसी चीज का हमारा काम हो गया, हमें उसकी अब जरूरत नहीं है, तो हम उसको क्यों ओपन करके रखें, हम उसे क्यों ना क्लोज कर दें। पहला तो ये लॉजिक है, सिंपल सा थिंकिंग है। दूसरा हमारा ये होता है, कहता ये है कि जब आप फाइल को क्लोज करते हो तो एक तो उस फाइल और फाइल ऑब्जेक्ट के बीच में जो रेफरेंस बना था, लिंक बना था, वो लिंक ऑटोमेटिकली ब्रेक हो जाता है। फर्स्ट एडवांटेज। सेकंड एडवांटेज ये होता है कि व्हाटएवर कंटेंट जो रैम के अंदर होगा, जो प्राइमरी मेमोरी के अंदर होगा, वो कंटेंट ऑटोमेटिकली उस फाइल के अंदर जाके राइट हो जाएगा, अप टू डेट हो जाएगा वो फाइल। तो फाइल्स आर ऑटोमेटिकली क्लोज एट द एंड ऑफ द प्रोग्राम, बट इट इज अ गुड प्रैक्टिस, अगर आप ना भी करें तब भी क्लोज हो जाएगा। आप अपनी फाइल को क्लोज करें काम करने के बाद, सो दैट द फाइल्स ऑन द हार्ड डिस्क गेट अपडेटेड विद द करंट कंटेंट्स। क्लोज फंक्शंस ब्रेक द लिंक ऑफ फाइल ऑब्जेक्ट एंड फाइल ऑन द डिस्क। क्लोज, आफ्टर क्लोज नो टास्क कैन बी परफॉर्म ऑन दैट फाइल थ्रू द फाइल ऑब्जेक्ट। ठीक है, तो आज के लिए इतना ही है। अगले लेक्चर्स में अब हम बात करेंगे रीडिंग एंड राइटिंग और अपेंडिंग के बारे में। तो अगले वीडियो मिलते हैं। थैंक्स फॉर वॉचिंग। वीडियो अगर पसंद आ गया हो तो लाइक कर दीजिएगा, शेयर कर दीजिएगा, और चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज सब्सक्राइब कर लीजिएगा। ओके, बाय बाय।